नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा दोस्त मनु मोड़। तो पंजाब जीके दे रिगार्डिंग यह अपनी सैकेंड क्लास है। पहला भी एक क्लास मैं तुहानू प्रोवाइड करवा दी है, जिस विच सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही इनकलूड किए हुए हैं। जे नहीं देखी तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जाके जरूर विजिट कर लो। क्लास शुरू करने तो पहला एक इनफॉर्मेशन तुहानू देना चाहना, काफ़ी बच्चे है जिहड़े वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि भर्ती आएगी या नहीं, मतलब पुरानी भर्ती का की होगा या नवी कॉन्स्टेबल की भर्ती आएगी या नहीं, सब इंस्पैक्टर का एग्जाम होगा या नहीं, इस तरह के सवाल उन्होंने मन में है। किसी की भी तुम नहीं सुननी, बस यह फोकस रखना है कि यह भर्ती आएगी जरूर, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है कि भगवंत मान ने जी अनाउंसमेंट कर दी है कि नवी भर्ती जल्द तो जल्द ही अनाउंसमेंट की जाए। तो हले भी जो तुम डाउट रखोगे, एंड एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, तो ही घाटा इस पैना है। काफ़ी क्लासेस मैं ऑलरेडी पंजाब पुलिस रिगार्डिंग तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है, जिस भी सब इंस्पैक्टर रिगार्डिंग भी है तो कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्लासेस ने, उन्होंने विजिट कर लो। लगभग 30-35 नंबर का जोड़ा पेपर होगा तो उन्होंने वीडियो में ही प्रोवाइड हो जाएगा। सो जे भी डाउट से थोड़े मन में पंजाब पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग, आई होप वह निकल चुकी होगी। जे निकल गई है तो वीडियो में यस लिख के कमेंट जरूर कर दो, एंड हूँ कॉपी पेन चको, इन्होंने क्वेश्चन राइट डाउन जरूर कर लो। तो दोस्तों, लोक नाच ते लोक गीत रिगार्डिंग एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में प्रॉपर देख लोगे एंड राइट डाउन कर लोगे, इन्हों तो बार कोई भी क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कहने का भाव है दो नंबर तुम इस वीडियो तो पक्के समझ लो आपदे। तो हूँ क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, इन्हों कि लोक नाच उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश जोड़ा संबंध है दोस्तों, झोरा, झोरा लोक नाच एक किस्म है जिहड़ा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। हूँ यह रिलेट करके किमें याद करना, आप पिंडा विच कह दिने वो छोरा, मुंडे नूं आपां छोरा कह दिने, तां वह कोठे ते चढ़ गया, कोई कही जांदा वो छोरा उत्तर नीचे उत्तर, तो इस तरह आपां नूं ईजीली यह रिलेट हो जाएगा। तो रिलेट कर लिया, जिवें ही यह क्वेश्चन आपां नूं एग्जाम विच आएगा, उत्तर प्रदेश आपां नूं दिखेगा, तो ऑप्शनां विचों छोरा वर्ड आपां नूं दिखेगा, तो आप रिलेट अपने माइंड में यह गल आएगी कि मुंडा सी कोई छोरा सी जिहड़ा छत से चढ़ गया सी, उत्तर प्रदेश उन्होंने कह रहा है कि नीचे उत्तर। ओके दोस्तों, इस तरह रिलेट करके याद करा करो, ज़्यादा लंबे समय तक तो याद रहता है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, कर्नाटका का लोक नाच है कि यक्षगान है जो कर्नाटका का लोक नाच है। हम इस रिलेट किमें कर सकते हैं, कर्नाटका आप नाटक याद कर लें, नाटक सीरीयल होंगे ने जो अपनी फैमिली अपनी माँ भैन सारिया देखद, मतलब लेडीज़ देखती होंगे ने सीरीयल्स, तो आपी उसू नाटक कह दें। हुण तुसीं देखिया होगा, कदे नोट कीती होगी, जदों भी सीरियल स्टार्ट हुंदा है तां एक गाना चलता है, गाण चलता है, तो इस तरह आप इस नूं भी रिलेट करांगे, कर्नाटका का जो लोक नाच है वो यक्षगान हो जाएगा। तो आई होप यह ट्रिक तुहानूं चंगी लगती है, तां करके मैं दुबारे यही रिपीट कर रहा ट्रिक। तो इस तो बाद क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, लोक नाच पेश करन वाले नूं की कहा जाता है, तो लोक नायक किस नूं कहा जाता है, याद रखियो लोक नाच जो भी पेश करता है। इस तो बाद चार नंबर क्वेश्चन की गल करिए, हेठ लिखे विचों किहड़ा जोड़ा सही नहीं है। देखो बीन है जिहड़ा आंध्रा प्रदेश का नहीं है, यह जिहड़ा उत्तराखंड का यह लोक नाच है, विन है, तो यह सही नहीं है, बाकी सारा ठीक है। भंगड़ा भी पंजाब का, डांडिया भी गुजरात का, तो नटंकी है उत्तर प्रदेश का है, तो करके याद रखियो जिहड़ा सही जोड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप पांच की गल करिए, इन्हों कि लोक नाच जम्मू और कश्मीर नाल रिलेटड है, जम्मू और कश्मीर नाल संबंधित है। तो हूँ रिलेट किमें करना, जम्मू और कश्मीर में की है, बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ ही पहाड़ है, तो उत्थे जी आम लाइफ है बंदे की लाइफ है वह टफ हो जाती है, टफ टफ यानी रफ हो जाती है, इसमें आप रिलेट कर लेंगे रफ नाल, रफ है जोड़ा वह जम्मू कश्मीर का लोक नाच है। इस बाद क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, चारकुला नाच किस नाल संबंधित है, तो हूँ आप रिलेट करने की गल करिए, तो चारकुला आप सब तो पहले चार कोला भी कह सकते हैं, इसमें चारकुला कोला कितों निकलता है, भूमि विचों निकलता है, ठीक है, इतने यह कितने निकलता है, यूपी की भूमि विचों निकलता है, इस आप रिलेट कर लेंगे, क्योंकि ओबियस सबनों पता है जो कोला वो आपको कितों प्राप्त होता है, जमीन विचों होता है। तो चारकुला किस राज्य नाल संबंधित है, यह ब्रिज भूमि यानी उत्तर प्रदेश नाल संबंधित है। इस बाद क्वेश्चन नंबर सात की गल करिए, कथकली किस लोक राज नाल संबंधित है। दोस्तों इस बारे मैं तुम्हें एक ट्रिक दस दिना, जिथे भी तुम्हें कली वर्ड याद आ गया तो उत्थे याद रखियो केरल की कली, केरल की कली, क्योंकि जेडे भी कली वाले लोक नाच ने वह सारे केरल नाल संबंधित है। इस बाद क्वेश्चन नंबर आठ की गल करिए, शास्त्री नाच उड़ीसी दे किस राज्य की उपज है, तो उड़ीसी आ गया, उड़ीसी नाच है यह शास्त्री नाच एक, तो ओबियस नाम नाल ही यह रिलेट हो जाता, उड़ीसी है जो उड़ीसा नाल ही संबंधित है, तो यह एक शास्त्री नाच है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, झारखंड का लोक नाच कि है, झारखंड का लोक नाच है पाइका,
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਈਆ ਕੋਈ ਖੰਡ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਟ, ਪਾਈਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਂਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡਾਂਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਸਿੰਨੀ ਨਾਮਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਸਿੱਟਤੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਈ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੂਈ ਸਿੰਨੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਚੀਪੂੜੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਚੀਪੂੜੀ ਮਤਲਬ ਕੱਚੀ ਪੂਰੀ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਪੂੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਯਮਿਤ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਭੰਗੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਚਾਉ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਥਕਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਮੋਹਿਨੀ ਅਤਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਬਟ ਕੱਚੀ ਪੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਚੀ ਪੂੜੀ ਇੱਕ ਦੇਵ ਨ੍ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨ੍ਰਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛਾਪੇਲੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਛਾਪੇਲੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਛਾਪੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੇਟ ਈਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਛ ਪੈਲੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਛਪੇਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਪੈਲੀ, ਪੈਲੀ, ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀਮਾ, ਚੱਲ ਪੈਲੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਛਪੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਹੂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਝੋਰਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਈਕਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ? ਪਾਈਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਬੂ ਡਾਂਸ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੰਬੂ ਡਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਬੂ ਡਾਂਸ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਯਾਨੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੂ ਡਾਂਸ ਨਾਲ, ਦਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੂ ਡਾਂਸ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਪ ਟਮ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਤੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਹਾਇਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਗਦੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੋਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਫਗਦੀ।
इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, मटकी किस राज्य विच लोक नाच है? तो मध्य प्रदेश का ही लोक नाच है। ये भी तुसी कोई ट्रिक लगा के याद कर लियो एंड वीडियो विच कमेंट करके दस दियो कि तुसी किवें रिलेट करके ये याद किया है। ओबियस बच्चों की भी हैल्प होगी जिहड़े भी तुहाडा कमेंट पढ़नगे एंड तुहाडे कमेंट नूं लाइक भी जरूर मिलेगा। इस तों बाद 25 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, थीम किस राज्य का लोक नाच है? तो थीम है जिहड़ा ये केरल का लोक नाच है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, झुमार किस राज्य का लोक नाच है? ये हरियाणा का जिहड़ा फेमस लोक नाच है। यह ईजी है, ना माइंड में ईजीली सैट हो चुका होगा तुहाडे भी। इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, तिरंगा मल किस राज्य का लोक नाच है? ये भी जिहड़ा गोवा का जिहड़ा लोक नाच है, फेमस लोक नाच है। इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, गरबा किस राज्य का लोक नाच है? ये गुजरात का है। ये भी क्योंकि आप जिहड़े नाच ने डांडिया हो गया, गुजरात हो गया, आप टीवी तो ऑलरेडी देखते हैं ता करके आपां नूं गुजरात के मोस्टली जिहड़े लोक नाच ने उन्हां बारे पता हुंदा है। ओके दोस्तों, इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, पावरी किस राज्य का लोक नाच है? हुण ये मैरिनेट किवें कीता होया, पावरी मतलब पावर, पावरफुल है जिहड़ा स्टेट महाराष्ट्र है, पावरफुल है। महाराष्ट्र विच ही सब तो अमीर लोग रहिंदे ने, अंबानी लगा लो है ना, महाराष्ट्र अंबानी कितने रहिंदा? मुंबई में रहिंदा, तो मुंबई कितने? महाराष्ट्र में है ना, तो करके जिहड़े भी एक्टर्स ने अपने एक्टर ने वह भी सारे महाराष्ट्र में रहिंदे ने, तो करके महाराष्ट्र को पावर है, तो पावर ही जिहड़ा लोक नाच ईजीली आप रिलेट कर लेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, छम नाच किस राज्य नाल संबंधित है? यह अरुणाचल प्रदेश नाल संबंधित है। हुण आपां इह रिलेट किवें करांगे, जदों अरुणाचल दी है उसने पंजेबा पाई हुई है तो छम छम की आवाज़ आउंदी है ना, इस तरह आपां रिलेट कर लिया। हुण आपां एग्जाम विच देखांगे अरुणाचल प्रदेश तो छम, यह दो वर्ड देखांगे तो अपने माइंड विच यह गल डेफिनेटली आएगी कि अरुणाचल दी है जदों वह छम छम की आवाज़ करती है। ओके दोस्तों, हुण मैनूं वीडियो विच कमेंट करके तुसीं दस दिओ कि सब तो वधिया किहड़े क्वेश्चन दा रिलेट करके तुहानूं आंसर याद करना लग्या, मतलब कि कीड़ी ट्रिक कि क्वेश्चन से तुम्हें सब तो वधिया लगी। एंड कल इसे टाइम मैं तुम्हें जीके की तीजी क्लास प्रोवाइड करावगा एंड एक रिक्वेस्ट है, नाल दी नाल राइट डाउन जरूर कर लिया करो एंड चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक जरूर कर लिया करो।